नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं बुल मार्केट की रैली चल रहा है, तो ऐसे में हम तीन स्टॉक लेकर आपके लिए आए हैं। इस तीन स्टॉक में आपको आगे जो है एक जबरदस्त रैली देखने मिल सकती है। तो इस स्टॉक को मैं पहले बता चुका था एक बार और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट में अगर कभी भी गिरावट होती है, बड़ी गिरावट, तो फिर आपको बड़ा लॉस दिखाएगा आपके पोर्टफोलियो में। तो इसलिए आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लेते हैं, मतलब पोजिशन बनाते हैं एक महीने दो महीने के लिए, या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ से 50% का भी करेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में अगर स्टॉप लॉस आप रखते हैं 2-4-5 रुपये का, तो मात्र आपका कुछ ही लॉस होगा। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो नीचे के प्राइस में ही इन्वेस्ट करना होता है। तो अभी जो हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी लोग ज़्यादातर बुल रैली का बेनिफिट्स लेने के लिए जो है पोजिशन बनाते हैं, जैसे आप बना लिए 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। तो इसमें सबसे जो पहला स्टॉक है हमारा टाटा पावर, अगर आप इसे पोजिशन बनाते हैं और ये स्टॉक अच्छा खासा मूव कर जाता है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में अगर ये कंपनी जाती है, तो फिर इस कंपनी का वैल्यूएशन जो है आप काफ़ी मतलब हाई लगा सकते हैं। अभी कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी कम है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी में ये कंपनी जाती है, तो फिर इस कंपनी के शेयर में आपको काफ़ी तेज़ी देखने मिलेगा, जैसा कंपनी लगातार प्रयास कर रही है जो रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने का। और साथ ही साथ कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो अच्छा खासा बेनिफिट में भी रहेंगे। लेकिन ये स्टॉक मैंने उस समय रिकमेंड किया था जब 40 रुपीज़ का था कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये 90 रुपीज़ का आ चुका है। और यहाँ पर देख लीजिए ये लाइन ड्रॉ के, अगर इस लाइन के ऊपर जाता है और ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, पहले तो ये हमारा रेसिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस को ऊपर सस्टेन करता है और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, जो ट्रेंड लाइन यहाँ से चला आ रहा है, तो आपको एक गजब का तेजी देखने मिलेगा। तो पहला टारगेट यहाँ पर जाएगा 100 रुपीज़ का, तो यहाँ से आप 100 रुपीज़ का, तो लगभग जो है आप 10% से अधिक का रिटर्न हो गया। अगर 100 रुपीज़ के ऊपर निकल जाता है, तो फिर आपको एक और गजब का तेजी इसमें देखने मिलेगा, क्योंकि जब आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, मतलब वीकली चार्ट पर आप जाएंगे, तो ये स्टॉक जो है पहले भी काफ़ी महंगे हुआ करते थे, अभी आपको काफ़ी सस्ते प्राइस में मिले, देख सकते हैं बहुत बड़ा रेसिस्टेंस रहा है इस स्टॉक के लिए काफ़ी लंबे समय तक, देखते हैं आप देखते जाइए काफ़ी लंबे समय तक ये रेसिस्टेंस रहा है। यहाँ पर देखिए काफ़ी लंबे समय तक ये रेसिस्टेंस रहा, अगर इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट बन जाता है, तो जैसे इसके ऊपर निकलता है तो एक बड़ा मोमेंटम आपको, एक बड़ी रैली इस कंपनी में देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक उस मतलब प्राइस पर रेंज पे खड़ा है, अगर यहाँ से गिरावट होती है इसमें 50% तक का भी करेक्शन हो सकता है मार्केट में अगर गिरावट हो तो, और अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपको 50% तक का रिटर्न भी दे सकता है। जैसा कि अभी बुल रैली चल रही है, तो यहाँ से हो सकता है ये स्टॉक ब्रेकआउट दे दे, अगर ब्रेकआउट देखने मिलता है तो आप इसमें जरूर पोजिशन बनाइएगा और अच्छा खासा यहाँ से आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। जिस दिन इसमें इन्वेस्ट करने के लिए पोजिशन बनाना सोचेंगे, तो देखिएगा कावर्ली चार्ट पर अगर ये 92 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो वहाँ पोजिशन बनाना है। अगर उसी दिन आपका क्लोजिंग अगर ऊपर होता है आपके प्राइस के 92 रुपीज़, जैसे आपने लिया 93-94 पर क्लोजिंग होता है, तो आप आगे के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर पोजिशन बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लगभग 86 रुपीज़ के नीचे, 86 रुपीज़ के नीचे आप स्टॉप लॉस ले लेंगे, 85 रुपीज़ ले सकते हैं। तो जस्ट स्टॉप लॉस भी आपका काफ़ी छोटा है, यहाँ पर मात्र 4 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा 5 रुपीज़ का, और उसके रिस्पेक्ट में आपका टारगेट जो है यहाँ काफ़ी बड़ा होगा, पहला 100 रुपीज़ का होगा। 100 रुपीज़ से जैसे ऊपर निकलता है स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलना है, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लें या लॉन्ग टर्म के लिए। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी में जाता है कंपनी, अच्छा खासा वहाँ पर अगर बिजनेस करती है, तो फिर लॉन्ग टर्म में एक मल्टीबैगर रिटर्न देखने मिलेगा, जैसा कि आपको अदानी ग्रीन एनर्जी में देखने मिला। उसके बाद जो अगला स्टॉक है हमारा वो है दीपक नाइट्रेट, केमिकल सेक्टर, जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है, उस सेक्टर के स्टॉक ऐसे भी काफ़ी बेहतरीन है। ये स्टॉक जो है आज देख सकते हैं ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है, कल यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, लेकिन यहाँ काफ़ी बड़ा कैंडल बनाया था, इसलिए मैंने इस पर कल वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ ऊपर से काफ़ी रिजेक्शन देखने मिला था। तो ये स्टॉक अगर कल यहाँ का जो क्लोजिंग प्राइस है आज का 1277 रुपये, इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो फिर आप इसमें कल पोजिशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 1 मंथ 2 मंथ के लिए। अगर मार्केट में जब तक बुल रैली बना रहता है उस समय तक के लिए आप इसमें मतलब सीधा समझिए बना सकते हैं इसमें पोजिशन, और यहाँ पर जो पोजिशन बनाएंगे तो आपका जो मतलब स्टॉप लॉस हो जाएगा वो इस ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे रखना है स्टॉप लॉस।
तो थोड़ा सा यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा है, तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखिएगा। ऐसे भी केमिकल सेक्टर स्टॉक जो है सारे के सारे स्टॉक देखिए काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा मतलब रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं। आपको मैंने बोला था जब जब गिरावट मिले तभी इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर अभी तो गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि यह ब्रेकआउट दे चुका है, तो फिर आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट लाइन था, इस सपोर्ट लाइन पर आप कहीं पर भी इसको बाय कर सकते थे। अगर वीकली चार्ट पर देखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए हम वीकली चार्ट को ही फॉलो करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म जैसे 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पर देखिए ये स्टॉक में कभी जो है कोई बड़ा करेक्शन कभी नहीं हुआ है, तो ये स्टॉक ऐसे भी काफ़ी सॉलिड है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर देखते हैं चार्ट कितना सॉलिड है, तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। यहाँ पर वीकली चार्ट पर देख लीजिए यही ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को हमेशा फॉलो करता है, तो वीकली चार्ट पे भी ये ब्रेकआउट है, डेली चार्ट पे भी ब्रेकआउट है, और आवरली चार्ट लगा लीजिए तो मतलब हर टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे, तो बहुत ही सॉलिड ये ब्रेकआउट है हर टाइम फ्रेम पे। आप जो भी लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम लगाएंगे, शॉर्ट टर्म लगाएंगे, सब पे ये ब्रेकआउट है, तो अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो आप इसमें बने रहिए। उसके बाद अगला है हमारा रूट मोबाइल, ये भी जिस टाइम फ्रेम पर देखिए ये भी जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, और ये कल ही ब्रेकआउट दे चुका था, कल मैं वीडियो बना रहा था इस पर लेकिन लास्ट में नहीं बनाया, टाइम नहीं था, तो ये स्टॉक को मैं कल ही आपको बताने वाला था क्योंकि कल ही ब्रेकआउट दिया, तो अभी भी अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता, अगर ये 1900 रुपये से ऊपर निकलता है तो आपको पोजीशन लेना है, अगर उसी दिन आपका प्रॉफिट में पोजीशन क्लोज होता है तो बने रहिएगा, अदरवाइज यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना ले लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है यहीं पर आपको जस्ट यहीं पर स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ से ऊपर निकलेगा तब आपको लेना है, जैसे 1900 रुपये से ऊपर निकले वहाँ पर 10 से 20 मिनट अगर ट्रेड करता है इसके ऊपर 1900 रुपये के ऊपर पोजीशन बनाना है और जस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है 1760 और यहाँ पर क्वांटिटी कम लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी आपको उतना ही जबरदस्त मिलेगा क्योंकि पहला टारगेट जो होगा 2000 का होगा, पहला टारगेट हमारा 2000 एक होल नंबर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा 2000, उसको क्रॉस करता है तो फिर स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करते चलिएगा, बने रहिएगा इस स्टॉक में। जब तक मार्केट में बुल रैली है तो ये सारे स्टॉक आपको काफी जबरदस्त रिटर्न देंगे। देखिए ये स्टॉक तो यहाँ पे भी लिया जा सकता था, इसका लिस्टिंग भी काफी नया है, अभी 1 ईयर भी इसका लिस्टिंग नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप छोटे टाइम फ्रेम पर इसको फॉलो कर लेंगे, यहाँ आवरली चार्ट मैंने लगाया है, देखते ये यहाँ पे भी लिया जा सकता था इस टारगेट के लिए, अब यहाँ से लेंगे तो ये टारगेट आगे क्या होगा, तो पहला तो 2000 होगा क्योंकि 2000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको क्रॉस करता है तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना या 2000 पर आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है क्योंकि ये स्टॉक देखते हैं लगभग ये 1200 और ये यहाँ पर इसी रेंज में लगातार ट्रेड कर रहा था काफ़ी समय से, और ये स्टॉक का लिस्टिंग काफ़ी मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए ये सितंबर में ही ये कंपनी लिस्ट हुई है और काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम वहीं से देखना मिला है, और ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, अपने सारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकल चुका है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए भी, लेकिन पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ बनाइएगा। जिस सारी कंपनियां जो है ये 3 की 3 कंपनियां तीनों अलग अलग सेक्टर से है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन तभी बेहतरीन है क्योंकि प्राइस हाइयर लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, और यहाँ से अगर ये मान लेते हैं 50% ऊपर चला गया तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करेंगे, अदरवाइज आप जो है इसे अभी एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट आता है कोई बड़ा गिरावट तो स्टॉक फिर काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे तो फिर से वहां ले लेंगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में जो होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म के, वो हमेशा स्टॉक को इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे बाय करते हैं, लेकिन अभी मार्केट में जिस तरह का बुल रैली है तो ये स्टॉक देखते हैं ये यहाँ से रन किया 1100 रुपया से रन किया तो डायरेक्ट ये 1800 रुपया पहुँच गया, 1900 रुपया पहुँच गया, अगर यहाँ से भी ये अगर मान लेते हैं 2000 के ऊपर चलता है, 2500 पर चला जाता है, 3000 पर चला जाता है, तो फिर वहाँ पर बने रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि फिर उसका इस प्राइस पे मिल पाना इस स्टॉक का जो काफ़ी कम उम्मीद बच जाएगा, क्योंकि ये आईटी सेक्टर से कंपनी है और दीपक नायर स्पेशलिटी केमिकल से है और टाटा पावर काफ़ी बेहतरीन कंपनी, अगर रिन्यूएबल एनर्जी में जाती है तो कभी भी
मतलब रेन्यूएबल एनर्जी में कोई अच्छा काम करती है, न्यूज़ आता है तो फिर स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम देखने मिलेगा। तो ये सारे स्टॉक ब्रेकआउट भी दे रहा है, साथ साथ बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए मैंने बताया है कि आपको किस प्राइस पर अभी बाय करना है, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल ही समय नहीं है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो स्टॉप लॉस के साथ बाय कीजिएगा, अगर अच्छा खासा स्टॉक यहाँ से मूव कर जाता है तो फिर आप उसको होल्ड कर सकते हैं आसानी से। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, किसी भी तरह के सवाल हो या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।